मार्कंडेय ऋषि ने श्री दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ के 700 छंद हैं, उन 700 छंदों को का सार जो है उन्होंने एक स्तुति करने के लिए 7 छंद बाहर निकाले, जिसको दुर्गा सप्त श्लोकी कहा जाता है, है? उसका पहला श्लोक है, ओम ज्ञानीनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही शा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि हे माँ महामाया, आप ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर, बलात् आकृष्य, बलपूर्वक खींच करके, आकर्षित करके, मोहाय महामाया प्रयच्छति, हे महामाया, आप ज्ञानियों के चित्त को भी माया में डाल देती हैं बलपूर्वक खींच करके, ये आपका प्रभाव है, मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, बचा लेना। समझ रहे, बड़े से बड़े ज्ञानी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे देखो, एक प्रश्न उठता है, ये बड़ी दार्शनिक चर्चा चल पड़ी कि ज्ञानियों के चित्त को भी माया जब प्रभावित कर लेती है तो फिर आदमी कहाँ जाए। हालांकि आदि गुरु शंकर कहते हैं कि इस अविद्या को, इस अज्ञानता को ज्ञान की तलवार से, विद्या की तलवार से काटा जा सकता। नारद से ज्ञानी कौन होगा? नारद देवर्षि नारद जी से कौन ज्ञानी होगा, है बताइए जरा। फिर व्यक्ति कहाँ जाए, ज्ञान में भी प्रभाव नहीं है, फिर तो ज्ञान भी वहां तो कमजोर पड़ गया।